नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुकेश हेल्प। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो उत्तराखंड आने के बारे में सोच रहे हैं। लाखों श्रद्धालु और पर्यटक उत्तराखंड आकर धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल को देखना चाहते हैं, पर उत्तराखंड आने के लिए जो शर्तें हैं, कुछ नियम है, उन शर्तों में छूट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड की नई गाइडलाइंस की जानकारी दूंगा। मैं आपको बता दूं, नियमों में कुछ बदलाव तो जरूर हुए हैं, पर अभी भी बहुत से नियमों का पालन करना होगा। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको आगे की जानकारी दूं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश चार धाम यात्रा की ताज़ा जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लें, ताकि आप आसानी से अपने सवाल पूछ सकें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मुकेश हेल्प, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं। कोरोना काल में उत्तराखंड आने वाले लोगों को कुछ छूट और दी गई है। अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड राज्य में अब एक दिन में अधिकतम 2000 लोग आ सकते हैं। पहले ये संख्या 1500 थी। बाहर से आने वाले लोगों का राज्य की सीमा में रैंडम जांच होगी। हालांकि इन 2000 लोगों में छूट की श्रेणी वाले लोग शामिल नहीं होंगे। दोस्तों, अभी भी आपको उत्तराखंड आने के लिए स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल में पंजीकरण कराना जरूरी होगा। इसके अलावा DM को 50 अन्य लोगों को परमिट देने का अधिकार होगा। 33 कोविड हाई लोड सिटी से आने वाले लोगों को 7 दिन संस्थागत क्वारंटीन जबकि 7 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। नई गाइडलाइन में होटलों को कुछ राहत दी गई है। जिन पर्यटक के पास 72 घंटे पहले तक की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट है, वे उत्तराखंड राज्य में कितने भी दिन के लिए रह सकते हैं। पहले न्यूनतम 7 दिन के लिए अनिवार्य रूप से बुकिंग जरूरी थी। जिनके पास कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट नहीं है, उन्हें अभी भी न्यूनतम 7 दिन के लिए होटल बुकिंग अनिवार्य होगा। वे होटल परिसर से बाहर भी नहीं जा सकेंगे। 7 दिन होटल में रहने के बाद वे धार्मिक स्थल या पर्यटन स्थल में जा सकेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए आपको smartcitydehradun.uk.gov.in वेबसाइट में जाना होगा। आप वहां से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, मुझे विश्वास है आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके। हरिद्वार ऋषिकेश और उत्तराखंड की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।